पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के भगवा जर्सी पहनने पर भड़क गई हैं। उन्होंने बीजेपी पर हर चीज के भगवाकरण का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि पहले टीम की जर्सी नीले रंग की थी, जिसे बीजेपी ने भगवा कर दिया है। उन्होंने बीसीसीआई के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैन इन ब्लू खिलाड़ियों ने अपने अभ्यास सत्र के दौरान भगवा जर्सी क्यों पहनी। हमें भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि वो विश्व चैंपियन बनेंगे, लेकिन जब वो अभ्यास करते हैं तो उन्हें भगवा जर्सी पहननी होती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए भगवा का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने मनरेगा के बकाए पैसे को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार इन पैसों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए कर रही है। अभी तो सब गरुआ बना दिया। We are proud of our Indian players and I believe they will be the champion of the World Cup champion. उसको भी और गरुआ बना दिया। उसको ड्रेस जब प्रैक्टिस करते हैं गेरुआ बना दिया। वो लोग तो लड़के नील पढ़ के पढ़ता है। कभी देखा मेट्रो रेल स्टेशन बनाता है पूरा गेरुआ कलर लगा दिया। अरे वो तो छोड़ दो, मायावती को मैं देखा था अपना नाम पे एक स्टैचू बनाया था, लेकिन आउरा भी नहीं सुना कि किसी को नाम पे ऐसा होता है। अभी तो हर बात बात पे नमस्ते का नाम पे होता है, जनता को नमस्ते नहीं। एक कभी नहीं चल सकता है। देश का नाम पे करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। कोई गुजरात को लीडर को नाम पे करो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। जो देश का नेता है, यूपी का करो, बिहार को करो, राजस्थान को करो, साउथ इंडिया को करो, जो भी जगह है करो। ये क्या है, ये क्या चीज है? वो खाने का चीज नहीं है, दिखाने का चीज। दिखाने से कभी कभी फायदा मिलता है, लेकिन परमानेंट फायदा नहीं मिलता है। कुर्सी तो आने के लिए है, जाने के लिए भी है। ये जनता का दिल में है। मैं तो माँ का पास और देव देवता पास यही विनती करेंगे कि हमारा देश में शांति रहे, हमारा विश्व भर शांति रहे, हमारा कोई डिविजन ना हो, कोई डिवाइड एंड रूल ना हो। हर धर्म, हर फेस्टिवल, सबको फेस्टिवल सबको करने दीजिए। और जो भी काम हो रहा है, जो होना चाहिए था हमारा बंगाल में तो हम कर लेता है, हमको तो सब बंद कर दिया, लेकिन देश में भी नहीं हो रहा है, खाली देश बेचने जा रहा है।